मिश्रा साहब, आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? आपने तमाम भर्तियां देखी होंगी, योजना की अनाउंसमेंट होते ही सड़कों पर यूथ आ जाए अगर, और अलग अलग राज्यों में। देखिए मैम, कुछ भी करने के पहले मैं ये बोलूंगा कि हमारे देश में एनसीसी भी चलती है और उसमें भी हजारों नौजवान जाते हैं, ए बी सी सर्टिफिकेट तक लेते हैं। सी सर्टिफिकेट क्वालिफाई करने वाला जो आदमी होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर उसकी एबिलिटी होती है। तो इसको जो है उससे एक वन स्टेप बेटर हम इसको मान सकते हैं। बिना सोचे समझे इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अब उसके पीछे कारण है, मैं ये बोलता हूं कि किसी भी तरीके की सेना में स्किल्ड सेमी स्किल्ड हर तरीके के जवानों की जरूरत होती है। वो जाएंगे, उनको तनख्वाह मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, और उसके बाद हमारे फौज में ऐसे लोग ऐसे जवान भी रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, जिस हिसाब से दोहरी जो है दो रास्तों से हमको खतरा है। टू फ्रंट वार की जो बात हम लोग कर रहे थे, हो सकता है गवर्नमेंट ये स्ट्रेटेजिकली इस चीज को डिक्लेयर ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि एक टेम्पररी फौज को, ठीक है उतना स्किल्ड तो ये नहीं होंगे कि पहुंचते ही ये फाइटर प्लेन उड़ाने लगेंगे और बहुत टेक्निकल काम करने लगेंगे, वो जो एक डिफरेंट विंग होती है डिफरेंट कैडर होता है उसके लोग करेंगे, लेकिन डेफिनेटली सेना में इस तरह की चीजों की जरूरत है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए मनरेगा पे 200 दिन काम करने के लिए तैयार होंगे, मिट्टी खोदने के लिए तैयार है, वो बहुत अच्छी योजना है सारे पॉलिटिशियंस बोलेंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं, दिन भर धरना प्रदर्शन देने के लिए नौजवानों को बुला लेंगे फ्री में लाठी डंडा खाने के लिए, वो उनकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हमारे देश के युवा सेना में जा रहे हैं, उम्दा ए ग्रेड की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और 4 साल में जब समझिए मिट्टी सोना बन करके निकलेगा, तो आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर या स्वरोजगार इन सब चीजों में उसके लिए जीविकोपार्जन की कमी होगी? पहली चीज, जो होनहार और हुनरमंद होंगे सेना उनको फर्दर प्रमोट करेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। इमरजेंसी के सिचुएशन में जिस हिसाब से एनसीसी काम करती है उसी हिसाब से योगदान इस चीज का इस विंग का रहेगा। तो मैं बोलूंगा नौजवानों को बरगलाने मत दीजिए, मिलिट्री इज द बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी। 4 साल में जो उनकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, मैं बोल सकता हूं कि मनरेगा में मिट्टी उठाने से बेहतर पर्सनालिटी उनकी डेवलप होगी, और जब वो बाहर आएंगे तो देश के लिए एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन वो करेंगे, अच्छे और डिसिप्लिन्ड नागरिक बनेंगे। ये आपका ठीक है, ठीक है विक्रम जी। जी विक्रम जी, इन बातों में वाकई वजन है। वैसे देखा जाए तो इन बातों में वजन है। नहीं, देखिए